याद में हमेशा मुस्कुराना, और अगर ये यादें तुम्हें रुला दे या एक पल भी तुम्हारी मुस्कान छीन ले तो मुझे याद मत कर। राधे राधे। अरे राधे राधे। वासु, सो नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैबिन ऑल सेट अप। वेलकम बैक सर। ओह थैंक यू। आपके भाई का एडमिशन हो गया हार्वर्ड में? Your tips were great. Thank you. मैंने क्या किया? वो तो उसकी स्कॉलरशिप ने कमाल किया। Oh my God, thank you so much. ये लो। कैसे हो? ठीक हो? अरे जगन सर। नमस्ते सर। लाए मेरे लिए? जी। अरे वही ट्रिटिकम एसिटिमम कंपाउंडेड बाय सॉर्टेड क्यूमिनम सिमिनम इन द प्रेजेंस ऑफ A2 बीटा लैक्टोबिनियम एंड अग्नाइट अकॉम्पनीड विद कैप्सिकम प्रोटेसेंस एंड करी शकर एंड जी। अरे मोइन के पराठे और मिर्च करवा दे। क्या बोल रहा है यार, वो तो हैवी नहीं पिछाड़ के आया, ना आता तो अच्छा होता। कभी कभी मौत जिंदगी से बेहतर होती है। टीम ऑफ क्राइम एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। मैं वासुदेव शास्त्री, हेड ऑफ टॉक्सी, सेकंड इन कमांड जेसन नाथन, टेक हेड
You'll be in a shake. I will be back! Yes. सर आपको तो पता है मेरी टीम मार दी गई, तो प्लीज आप बताइए मुझे नई टीम कब दे रहे हैं आप। मैं अभी के अभी मिशन रिज्यूम करता हूँ। खुले मैदान में 300 मीटर तो छोड़ो, 30 मीटर दौड़ नहीं सकते। तुम मिशन पे जाओगे, हमारा हक मारोगे। फिर से मिस्टर जोशी, डोंट स्पीक लाइक दैट। सॉरी सर, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सक्यूज मी सर। नो वे, कंप्यूटर के दो चार बटन्स दबा लेने से कोई जीनियस नहीं हो जाता वासु। नाउ यू आर इनकॉम्पिटेंट एंड यू नो इट, डोंट यू? मिस्टर जोशी, मैं 30 मीटर दौड़ सकूं या ना, पर मैं बैठे बैठे आपको यहां पे 2982 किलोमीटर दूर दौड़ा सकता हूं। रियली? What is this nonsense? ये आपके 6 बटनों में से तीसरे बटन का धागा नेवी ब्लू ना होके प्रूशियन ब्लू क्यों है? अब चाइना क्यों गए थे? मैं चाइना नहीं गया था। जाना भी नहीं चाहिए था, वो तो आईबी के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है ना। I said be my back. डायरेक्टर जी, होटल श्वांगू के स्विंग किट से मिला लीजिए धागा। ये सुई धागे से क्या साबित हो जाएगा? इससे तो प्रूव होता है ना, डेविड के नाम से कहते 6 दिनों के लिए चाइना 42 वांगडाओ सिटी। सर इस शहर के सारे नाइट क्लब्स वर्ल्ड फेमस हैं इलीगल आर्म्स और ड्रग्स ट्रेडिंग के लिए। तो अब इलीगल आर्म्स होंगे तो स्पाइस होंगे, स्पाइस होंगे तो गद्दार होंगे। तो कहीं जिस पोरबंदर के हादसे में जिसमें मेरी यह हालत हुई, उसमें गद्दारी आपने तो नहीं की थी? सर, मैं चाइना गया था बिकॉज इट वॉज। सर, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। इट वॉज सपोज टू बी योर टॉप सीक्रेट। सीक्रेसी अब कहां रही? 1:14 में इन्होंने खोल दी और आप राय दे रहे हैं मेरे बारे में? तोड़ा दिया ना, 2982 किलोमीटर दूर चाइना। I told you, he is not competent anymore. Sorry, sir. Now I conclude. You are medically not fit for secret agencies. You are dismissed.
बहुत हो गया इसका बचपना। बचपन है तो बचपना तो होगा ना सर। आईआईटी में था, अपनी जिंदगी जी रहा था सर। आप ही लोग रोज बुलाते थे, रोज ऑफर देते थे मुझे टू जॉइन ड्रॉ एंड आई जॉइन सर, नॉट फॉर देशभक्ति। आप लोगों ने ना सर, आप लोगों ने देशभक्ति की आदत ला दी। नहीं लगानी चाहिए थी सर, नहीं लगानी चाहिए। आज जरूरत है मुझे आप ना तो बात सही, लेकिन मुझे मेरी देश की सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता, ना आप, ना आप और ना आप सर। आई डोंट नीड एनीवनस परमिशन टू सर्व माय कंट्री। आप लोग अपनी कुर्सियां संभालिए और मैं देश। चल, किस बात का घमंड है तुम्हें, किस बात की जिनिया सा तुम? तुमने कहा था अम्बाला आर्म्स डिपो की घटना एक हादसा नहीं बल्कि प्लान लूट थी, जिसे शॉर्ट सर्किट्स की आड़ में किसी इमारत ने करवाई थी। बट वी नीड प्रूफ एंड इन ब्लैक एंड व्हाइट। आज तक कोई सबूत दे पाए तुम? एक्चुअली तुम हमारी गलती थे, यू आर मिस्टेक। मुझे यंग सोच और जोश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। एनएसए सर, ये देखिए, एक दो तीन चार, चार बुलेट्स, चार बुलेट्स मेरे बॉडी से निकली थी और पांचवी यहां से गई थी, यहां से। सबूत चाहिए ना आपको? 9mm पैराबेलम ग्लॉक 19 पिस्टल कार्ट्रिज। इन बुलेट्स का मेक देखिए सर, ये बुलेट्स किसी भी आर्मर प्लेट को फाड़ के निकल सकती हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट देखिए सर, रशिया में भारत सरकार के ऑर्डर पे ये बुलेट्स बनाई गई थी, सिर्फ भारत सरकार के लिए ये 1.5 मिलियन बुलेट्स बनी थी सर। गवर्नमेंट के ऑर्डर पे भी यही लिखा है और डील के एक महीने अंदर ये बुलेट्स अम्बाला आर्म्स डेपो के पोजेशन में दी गई। डेट थी 6 अगस्त 2016। 16 सितंबर 2016 को ये बुलेट्स जल के राख हो जाती हैं एक शॉर्ट सर्किट की वजह से। सर 3,128 गन्स राख हो गए, 899 आर्मर प्लेट्स राख हो गए, 15 लोग मारे गए, ये 1.5 मिलियन बुलेट्स पूरी की पूरी राख हो गई सर, ऐसे ही शॉर्ट सर्किट की वजह से, गलती से, एक्सीडेंटली। सर तो आप इसे मेरा प्रूफ समझ लीजिए या सवाल। अगर 1.5 साल पहले ये बुलेट्स राख हो गई थी तो आज से 7 महीने पहले मुझे कैसे लगी सर? चोरी का सबूत तो है सर, अब आप इसे ब्लैक समझें या व्हाइट, राधे राधे। मेडल पा के इतना खुश हो रहा है? लाइन किस तरफ आ जा, तुझे ऐसे हजारों सोने के सिक्कों से तोड़ दूंगा। ये तेरे अपने जो आज तुझे सम्मान दे रहे हैं ना, एक दिन तुझे ही डुबो देंगे। इन्हें अपने से बड़ी अकल वाले झेले नहीं जाते। चक्कर लगाओ, नंदिनी। वासुदेव अगर आज जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी मेहनत और सेवा की वजह से, पर अब एक बार फिर तुम्हें उसकी जान बचानी होगी। देखो, अगर उसने कोई भी मिशन टेकअप करने की कोशिश की या वो पोरबंदर गया तो ही विल बी शॉट डेड।
अब मेरी कोई जरूरत नहीं। मुझे है। मुझसे ज्यादा और कुछ चाहिए तुम्हें? सब तो एक इत्तेफाक था, मेरी जिंदगी का असली आधार तो प्रेम था, वो मथुरा। वो वृंदावन, वो ब्रज, वो बिहारी जी और वो होली के रंग। सारा रात लोग बताए जमुना तट के रूप है तेरा सबसे हटके जो देखे वो रास्ता बट के सारा रा 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 होली भी रजमा तुझसे है लगता तो मैं हसोड़ी था नटखट, लेकिन हर शाम सितारों में मैं अपने माँ बाप को ढूंढता था। असल में कौमी दंगों के दौरान मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। भाग्य ने मुझे पुजारी बाबा के हाथों में सौंप दिया और पुजारी बाबा ने बिहारी जी के चरणों में। सब मेरे हो गए थे और मैं सबका। फिर भी एक कसक थी, कोई मेरा सिर्फ
मेरा अपना, कोई मेरी राधा। और फिर वो IIT का पहला दिन। राधे राधे यार, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे उस पंडित को देखना, क्यों नंग लागे छे साहब। अरे राधे 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 भैया, राधे राधे। कुंदेंदु तुषार हार धवला। IIT में पंडित भाई देख रहे हैं? वैसे तो व्यवस्था अच्छी है, अगर किसी से टाका फिर गया तो पंडित बाहर से नहीं बुलाना पड़ेगा। पन्नी नो। या श्वेत पद्मासना। ये वो हवा है जिसने हम सबके टेंट उखाड़े हैं। ओह, तुम इसकी वजह से सेकंड आई हो। तेरी लाइफ में पहली बार। सदा पूजता मुन्ना भाई की तरह ये टीप टाप के टॉप आया है। तू सरस्वती भगवती निशेष जाड्या आपहा। गुस्सा इतना आ रहा है, टकला फोड़ दूंगी मैं इसका। हाँ भाई, तो कौन कौन को डाउट है कि मैं कल को नटवरलाल हूँ और आज को मुन्ना भाई? हाँ आपको, आपको तुम्हारे संशय है दादा? और किसी को प्रॉब्लम है मेरे? चन 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 पति पति चन 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 आई राधा राधा। असली प्रॉब्लम तो यहाँ है। लाल लाल गाल, लाल लाल कान, आँखों में लाल लाल डोरियां। अरे मैडम, आपका बस चले तो आप तो मेरा टकला ही फोड़ दे। अरे भाई, इतना गुस्सा तो सिर्फ उसको आता है जिसकी एक मिनट लेट हो जाने से ट्रेन छूट जाए। एक रुपए के वजह से टेंडर और एक नमूने के वजह से IIT JEE की टॉप रैंकिंग। नंदिनी चौहान, रैंक रैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना। चन 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 चन। वैसे अगर आपकी रैंकिंग कितनी पड़ी है तो 1 से 10 की स्केल में आप पूरी 10 हैं। 10। और मैं वो एक जिसे आपने अभी अभी अपनी आंखों में बसाया है। मजा आ रहा है सबको? हंसी आ रही है? आनंद आ रहा है? अरे भाई, इसलिए तो आया था यहाँ पे, इसकी सबका तनाव दूर करूंगा, आप सबकी टेंशन दूर करूं, पर यहाँ पे तो खुद को तनाव हो गया है। कमाल है यार, ये तो क्या था, क्या निकला यार? साला इश्क हो गया है। अरे भाइयों, तुम लोग समझे नहीं, नंदिनी को मुझसे। चीपो, फ्रॉड, फ्लर्ट, ज्ञान देता है यार पंडित ना। खिलाते हैं उसको ब्रेन ओलंपिक्स। ब्रेन ओलंपिक्स। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू ब्रेन ओलंपिक। मेरे पहले 3 सवाल है और मेरे ये 3 सवाल है फ्रेशर्स गैंग के सुपर ज्ञानी से। कहाँ है ये मिस्टर वासुदेव शास्त्री जी? अहम अत्रास्मि। एक टक निहारु सदियां गुजारु मैं पल पल उस पे। कितना हॉट है। एक टक निहारु सदियां गुजारु मैं पल पल उस पे। हाँ शास्त्री जी, पूछू सवाल, जवाब देंगे आप? अरे आपका तो सवाल भी मैं हूँ और जवाब भी। Do you think it's classy? No, it's very, very massy. Radhe! Knock it off, guys. Your first question. हिंदी में बोलिए ना, ज्यादा प्यारी लगती है। शास्त्री जी, ये अंग्रेजी समझ नहीं आती? आइए ना। Come on guys, put your hands together for the topper.
चार गोलियां हैं, दो फीवर की और दो कोल्ड की। प्रॉब्लम ये है कि इनका साइज, वेट, कलर सब एक जैसा है। आपको खानी है एक कोल्ड की और एक फीवर की। कैसे खाएंगे आप? टॉपर साहब, दिमाग है तो बताइए। अजी, हमारे पास तो दिल है। चाहिए? Knock it off, guys. Answer the question. Answer the question. Pass. यही तो उम्मीद थी ना इनसे। Second question. There are 8 balls. Oh, sorry. यहाँ पे 8 गेंदे हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। इनमें से कोई भी 3 गेंद उठाकर इन खाली गोलों में डाल दीजिए। तीनों गेंदों का जोड़ मिलाकर 30 यानी कि 30 होना चाहिए। तो बड़ा आसान है। 13, 11, 1 और 5 हो गया 30। चार नहीं, 3 गेंदे पंडित जी। 3 और डिजिट्स का और टाइम्स हम कभी इवन हो ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल। अरे इसका छोड़ना, तेरा मेरा तो पॉसिबल हो सकता है ना। सिर्फ 2% लोग इसका जवाब दे पाए हैं। 2% में तो सिर्फ आप आती, आप ही जवाब दे दीजिए ना। देखा गाइस, कर दिया ये मैंने साबित कि ये टीप टाप के फ्रॉड गिरी करके चीटिंग करके टॉप आया है। एक नंबर का चीटर है ये। और क्यों ना हो, ये मथुरा वृंदावन जैसे छोटे छोटे गाँव के जो हिंदी मीडियम स्कूल और गुरुकुल का स्टैंडर्ड है ना, वो यही हो सकता है जो इनका है। कभी सोचा है आपने कि इस बंदे ने टॉप कैसे किया? 100 out of 100 हाँ? कैसे? शास्त्री जी, ये गीता पढ़ के, मंत्र पढ़ के, संस्कृत बोल के ना पंडित बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं। नंदिनी जी, आपने अपना तीसरा प्रश्न तो पूछा ही नहीं, मगर वो मैं पूछूंगा आपसे। अगर मैं संस्कृत बोलता हूं तो मैं प्राचीन हूं, अगर हिंदी बोलता हूं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं, अगर बड़े शहर का हूं तो बहुत क्लास है भाई, अगर छोटे शहर से हूं तो ब्लडी प्रिमिटिव। शुड वी बी डिस्कसिंग दिस इन IITs? As true IITs, we should be discussing only about innovation, like robotic eye theory for the blind, bionics, quantum mechanics, string theory. इन सब के ट्रेसेस आपको वेदों में मिलेंगे, पर आपको फुर्सत कहाँ है भाई? आप तो बस अपनी टेक्स्ट बुक्स में घिरी हुई हैं, और वेद पढ़ के तो आप पंडित बनेंगी, इंजीनियर नहीं बन सकती। अरे भाई, आप उन वेदों की बात कर रही हैं जिनकी नींव विज्ञान है, और उस संस्कृत की बात कर रही हैं जो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, जिसके 1200 स्कूल और 14 यूनिवर्सिटीज अकेले जर्मनी में, जिसे हम सब इंजीनियर्स यहाँ पे इंजीनियरिंग हब मानते हैं यार, और आप उसे कहती हैं प्राचीन, प्रिमिटिव। फादर ऑफ एटम बॉम्ब रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने कहा था अपने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट साइट ट्रिनिटी न्यू मेक्सिको, डेट थी 16 जुलाई 1945, If the radiance of 1,000 suns were to burst at once into the sky, it would be like the splendor of the mighty one. And now I become death, the destroyer of both worlds. यही बात संस्कृत में बोलूं? कालोश भी लोग, अरे फायदा ही नहीं, पल्ले ही ना पड़ेगी तो। संस्कृत के जिस श्लोक से रॉबर्ट जी प्रभावित थे ना, वो भगवत गीता का था। और भगवत गीता जिसने कही थी ना, वो भी मथुरा वृंदावन के गुरुकुल से ही था। दुनिया उन्हें श्री कृष्ण के नाम से जानती है, और हम ब्रजवासी उन्हें प्यार से कान्हा कहते हैं। अरे भाई, प्रिमिटिव है तो है, प्राचीन है तो है, पर गर्व है अपनी प्राचीनता पर। हाँ, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपके व्हाट्सएप के सवालों का जवाब दे देता हूँ। ये चारों पिल्स को आधा आधा तोड़ के खा लूंगा, हो गई एक फीवर की एक कोल्ड की, और ये पहली गेंद, दूसरी गेंद, और ये तीसरी, उल्टी कर दी, हो गया 30। काउंट कर लो, मैथ तो आता होगा। एक्चुअली ये ब्रेन ओलंपिक खेल ही नहीं रही थी, असल में आप खेल रही थी हार्ट ओलंपिक। अरे कोई नहीं नंदिनी जी, देता हूँ आपको 60 मिनट, कर लो दिल की, शायद मुझे भी प्यार हो जाए आपसे। शट अप। Thank you.
चढ़ गया है तेरा फितूर, जब से चढ़ गया है। देखा कैसे हंस रहा है ये? इसी ने किया है मुझे रोकने के लिए। आई मिस माई फ्लाइट, अरेस्ट हिम। डाले भाई गाड़ी में। थैंक्स वासु, थैंक्स। या यू मे गो। सर हाँ वासु, तुम्हारा ये ट्रैफिक जैम का आइडिया बहुत ही बढ़िया और क्विक था। वो टेरिस भागी नहीं पाए। And we got them. सर क्या करूं, आपका कॉल जब भी आता है कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा तो करना ही पड़ता है ना सर। पूरा टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए आ जाओ ना, ज्वाइन रॉ। सर पहले पढ़ाई तो कंप्लीट कर रही थी। अरे कौन सी पढ़ाई? अच्छा अच्छा कर लेना पूरी पढ़ाई। नंदनी IIT JEE में रैंक 2 आना कम बड़ी बात है? पूरी दुनिया में तुझसे बेटर कोई नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता मॉम, नो, आई हैव टू बी द बेस्ट। वैसे वासु, हम लोगों ने तो प्लेसमेंट ले लिया, तूने नहीं लिया? हाँ भाई, तू कहाँ जा रहा? हिमालय। हिमालय? क्यों भाई अल्फा बीटा, तुम्हारी गामा कहाँ है? गामा? अरे गा और माँ जिसके सुर हमेशा बिगड़े रहते हैं। हाय वासुदेव। फ्री हो? महंगा हूँ लेकिन आपके लिए तो मुफ्त में बिक गया। तो 60 मिनट्स मिलेंगे? कितने महीने से ये थ्योरम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हो तुम? 6 महीने से? क्या समझते हो तुम मुझे? जिंदगी। God, it's impossible to talk to you. देखो, tomorrow is the last exam. I want the solution.
सारा थ्योरम सॉल्व कर दूंगा मैं, मगर पहले वो 60 मिनट तो जी लें, वो भी जैसे मैं कहूँ। हाँ जैसे तुम कहो, मतलब ये ब्लैक मेल लेंगी ना? ब्लैक तो तुम समझ रही हो, मैं तो मेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड में अगर तुम्हें फेम पानी हो तो क्या करोगे? सरेआम बीच बाजार में तुमको इतने थप्पड़ मारूंगी, इतने थप्पड़ मारूंगी, इतने थप्पड़ मारूंगी ना, नेशनल न्यूज बन जाएगी। बड़ी कमाल की लड़की है यार। 30 सेकंड में अगर तुम्हें प्यार का इजहार करना हो तो तुम्हें योर टाइम इज रनिंग आउट। हे वासुदेव, जब जब तुम्हें जिंदगी में मेरी जरूरत पड़ेगी ना, तब तक मैं नहीं आऊंगी। पर तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अद्भुत, अविस्मरणीय। अब हमसे भी तो पूछिए कि हम कैसे करेंगे प्रपोज। तुम ही बताओ, बकवास करने में तो माहिर हो ना। बताइए हमें आंखें कैसी पसंद है? आपके जैसे। बाल कैसे पसंद है? आपके जैसे। हमें दिल कैसा पसंद? ऑफ कोर्स मेरे जैसे। दिल तो हमें हमारा ही पसंद है, क्योंकि वो देखते ही आपका हो गया था। एक कन्फेशन, दरअसल 60 मिनट तुम्हें नहीं, मुझे तुम्हारे चाहिए थे। दिल ने कुछ लिखा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हें सुनाओ। Vasudev, 60 minutes are over. Now please, I want the solution.
वासु, कैन वी हैव अ टोस्ट टू आवर फ्रेंडशिप? क्या तूने उसकी ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी? ये गलत है। होगा गलत माँ, लेकिन मैं नहीं जानती। चार साल उसने मुझे बहुत परेशान किया, एक दिन मैंने किया तो क्या हुआ? Four years I've tolerated him, माँ। अरे करियर के लिए तो कुछ भी करेगी। और माँ ऐसी कौन सी जान ले ली मैंने? बेहोशी तो किया है उसको। शाम तक उसको होश आ जाएगा, तब तक एग्जाम फिनिश एंड मैं तो नंदिनी, what is this? You are late. ये ले पेपर अपना, जाओ जल्दी बैठो वहां पे। Completed in just 87 minutes. Vayumiti, keep it up. Hello, Shilaji. Ah, Shilaji. Hello. Hello. चीज का एंटीडोट होता है मैडम, तुम्हारी पिल्स का भी था, मगर कमबख्त इश्क का नहीं होता। हर चीज देख लेता हूं, मगर तुम्हारी आंखों का छल ना देख पाया। सच है, प्यार अंधा होता है। एक बात कहूं, तुम जो करती हो शिद्दत से करती हो। अगर तुम अपने करियर के लिए इतना कर सकती तो जिस दिन प्यार करोगी क्या करोगी? मैंने तुमसे प्यार करके कोई गलती नहीं की। जिसके प्रेम में मैंने अपनी वो नखरे वाली है, राधिका प्यारी है। ओ बद कर दे मेरो प्यार, हो मैया कर दे मेरो प्यार। Not even in the list? There's a very thin line between a genius and an idiot. He submitted this. जीवन का असली आधार तो प्रेम है। तुम जो करती हो शिद्दत से करती हो। अगर तुम अपने करियर के लिए इतना कर सकती हो तो जिस दिन प्यार करोगी क्या करोगी? तुमको तो उछल के आसमां छू लेना चाहिए,
मगर तुम तो उदास बैठी हो, तुमको तो तुम समझते क्या हो अपने आप को, कोई हीरो हो? तुम जो चाहोगे वो होगा, जब चाहो नंबर वन आ जाओगे, जब चाहे एग्जाम ड्रॉप करके किसी और को नंबर वन बना दोगे। देखो मैं जानती हूँ कि तुमने जो भी किया है वो अपने प्यार में किया है, मुझे नजरों से गिराने के लिए नहीं। लेकिन वासुदेव मेरे सपने कुछ और हैं। मैं ये भी नहीं जानती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। यूएसए जाने से पहले 60 मिनट्स गुजारेंगे। आई एम सीरियस। 60 मिनट गुजारेंगे, लेकिन तब जब तुम 60 जन्म जब तुम 60 साल मेरे साथ गुजारना चाहो। When you would love to grow old with me. तुमको तो उछल के आसमां छू लेना चाहिए, मगर तुम तो ना मैं यूएसए जाती ना तुम रो ज्वाइन करते, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अगर 4-5 गोलियां खाने के बाद तुम मुझसे प्यार कर सकती हो तो मैं IIT में ही खा लेता ना। तुमने तो कहा था कि जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम कभी नहीं आओगी, मगर तुम आई। क्यों? रंजन सर, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरे ना सुने, दिल का मैं क्या करूं? Thank you.
करता नहीं पागल बेबाक है ये है रकीब खुद का ही इत्तफाक है ये इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं मैं क्या करूं? सिंधा गोली उनके कान के पास से गुजरी थी वो उनके स्कल को छू कर निकली थी उससे उनके ब्रेन के कुछ टिश्यूज डैमेज हो गए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन उन्हें टिनाइटिस की बीमारी हुई है यानी कि आवाज का कई गुना मैग्नीफाई होकर सुनाई देना जिसकी वजह से उनका दिमागी संतुलन भी काफी बिगड़ गया और ये वक्त के साथ बढ़ता जाए इसलिए आप उन्हें अमेरिका ले जाए इतनी दूर से कैसे दिखाई दिया तुम्हें बेटा मुझे यंग सोच और जोश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था बिकॉज वी केयर मुझे यंग सोच और जोश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था I told you, he is not competent anymore. Vasu! मुझे मेरा मिशन पूरा करना है। मुझे मेरा मिशन पूरा करना है।
कुएं से नहीं जाना चाहता कैसे सब आई डोंट नो व्हाट टू डू हाउ टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट्स फॉर हिज ओन गुड वासु नंदिनी ने जब ये डिसाइड किया कि वो वापस नहीं जाएगी तुम्हारे साथ रहेगी तुम्हारी देखभाल करेगी तो मुझे अच्छा लगा और अच्छा इसलिए लगा कि मेरी बेटी ने अपने करियर से ज्यादा रिश्तों को अहमियत दी है तुम अमेरिका चले जाओ तुम ठीक हो जाओगे ना तो सब ठीक हो जाएगा रुबीना Yes, just give me a minute, okay? Vasu, Mr. Das wants to talk to you. Vasu? Rubina! Rubina! Let's follow him. Remember this? 384? I remember everything. लेकिन तुम बची कैसे? तुम आई क्यों नहीं वासु? पोरबंदर? ये सवाल उन गधों से पूछो, जिन्होंने मेरे पोरबंदर जाने पे रोक लगा दी। शूट ऑन साइट का ऑर्डर दिया है। ट्रैकर, यहाँ पे ट्रैकर लगा दिया मुझे। In fact, they might be tracking me right now. Don't worry. There are jammers here. सर आप भी पर जैसे तुम बचे वैसे हम सब भी देखो छूकर देखो हम सब जिंदा हैं हमें अपना अधूरा मिशन पूरा करना है वासु वासु No Rob, no IB, no NSA. You're working directly under the Prime Minister. तुम दुनिया के लिए fired हो और हम सब लोग dead. तो strategy ये होगी, you will be at the front position और हम पीछे से तुम्हें cover करेंगे. Submission MRS is on. I've heard enough. Tickets are booked. We're going. कर्जों से भागा नहीं जाता. I can't go. और रिश्तों का क्या? उन्हें भी निभाना होता है. You know, after going to USA, मैं इतना busy रहती थी कि तुम्हें याद करने की फुर्सत तक नहीं मिली. जितना तुम्हें तुम्हारा काम प्यारा है ना? उससे बहुत ज्यादा मुझे मेरा काम प्यारा लगता था लेकिन फिर एक दिन मुझे मिस्टर दास का फोन आया और उन्होंने तुम्हारी हालत के बारे में बताया तो मैं रुक नहीं सकी आंसू समथिंग हैपेंस टू यू आई विल डाई मैं मर जाऊंगी वासु प्लीज डोंट किल मी Don't kill me. Please. वो मंदिर की घंटियां
उबा के बिहारी की मुस्कान। सब कुछ तो था तुम्हारे जाने के बाद, मगर चैन नहीं था, बस तुम रही। तुम मुझे दर्द भी प्यारा लगने लगा था कि एक दिन मिलिट्री इंटेलिजेंस के सर्वर्स हैक हो गए। बड़ा साइबर अटैक था, काफी एक्सपर्ट्स लगे हुए थे, फिर भी हैकर को रोक नहीं पा रहे थे। ऐसे में मिस्टर दास को मेरा ख्याल आया और मुझे बुला लिया। Everything will be gone, oh my God. Basu! Basu, come fast! We need you, come on! We need you! See this! Check this! We have to stop him! Binary code ko break karo, jaldi! Hacker ke IP address tak pahunche bina, we can't stop him, Basu! Do something! Oh no, 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 no! Guys, the fifth firewall is breached! What? What? Sara, data chala jayega! Basu, do something! What are you thinking, Vasu? Do something. Come on, I'm running out. We have to stop him, Vasu. We have to stop this, Vasu. लोकेशन मिल भी गई तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब लुक, इतने सारे आईपी एड्रेसेस। सर, द आईपी एड्रेस इज चेंजिंग एवरी सेकंड। सर, 194 कंट्रीज, 4460 सिटीज। सर, इट्स इम्पॉसिबल टू ट्रेस दिस आईपी एड्रेस। अब क्या करें सर? वेट वेट, हमें हेल्प से पावर ऑफ करना। नो, पावर ऑफ मींस कंप्लीट डिजास्टर। सर, आप तो जानते हैं 80% डेटा तो ले चुका है वो हैकर। हाँ, तो बाकी 20% भी उसके पास भेज देते हैं। What nonsense you're talking? सर, ये पागल हो गया क्या सर? Are you out of your mind? बेवकूफी मत करो, वी विल लूज एवरीथिंग। सिक्स फायरवॉल ब्रीच हो गया है सर, और सारा डेटा उसके पास जा रहा है। Stop this. सर, प्लीज टेल हिम टू स्टॉप इट सर। What are you doing, sir? Stop him now. सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, हमारी सिस्टम क्रैश हो जाएगा सर। हमारे कंप्यूटर सो हो गए सर। सर, सिस्टम क्रैश हो गए। क्या कर दिया सर? किसको पकड़ा गया है सर? सर सर सर, व्हाट इज इट डन सर? नो नो, गिव अस एवरीथिंग सर। दूध मिलेगा? दूध? ठंडो 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 दूध। इंफॉर्मेशन आपके पास चली गई सर। क्या बकवास कर रहे हो बस? मैंने तुम्हें डेटा रोकने के लिए कहा था, भेजने के लिए नहीं। सर, कन्हैया ने भी कहा है कई बार रन जीतने के लिए रन छोड़ना पड़ता है। व्हाट? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। System up again. It's rebooting. Sir, it's getting back. Sir, we are online again. Thank God, everything is back and intact. Guys, hold on. Vasu, ये सब कैसे हुआ? देखिए, हैकर के आईपी एड्रेस तक तो हम पहुंच नहीं सकते थे, पर हमारा डेटा उस तक पहुंच रहा था, तो बस उसी डेटा में मैंने ये अपना न्यूक वायरस छुपा के उसके पास भेज दिया। यानी उसके सारे सिस्टम तो अब क्रैश हो चुके होंगे, और जो भी डेटा उसने चुराया था ना, वो सब डिलीट, एक्सटर्मिनेट, ऑब्लिटरेट हो चुका होगा। कुछ नहीं मिलेगा उसे। सर, आपके लिए ठंडा दूध। अरे, ये मेरे लिए ना है, आपके लिए है। प्रेशर में दिमाग ठंडा रखेगा जी। ठीक है सर, राधे राधे। दास ने सही बताया था तुम्हारे बारे में, वेद और विज्ञान के अच्छे ज्ञाता होते हैं, और ब्रज बिहारी यमुना के मर्म को समझाने के लिए तुमसे अच्छा गाइड कोई नहीं हो सकता। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट, जॉइन रॉ। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के सर।
कोट बाय मिर्जा गालिब 18th century। हर इंसान के जीवन और मरण का कोई उद्देश्य होता है। कोट बाय कृष्णा, महाभारत पीरियड 3137 BC बिफोर क्राइस्ट। तुम्हारे बचने का भी कोई उद्देश्य होगा। राधे राधे सर। 16 जुलाई 1994 मथुरा में जो राइड्स हुए थे, जिसमें तुम्हारे माँ बाप मारे गए थे, वो ISI स्पॉन्सर्ड थे। तुम नहीं चाहते हो कि इस जाल को तोड़ देना चाहिए? ये बात सुनने के बाद कोई बेटा कैसे रुक सकता था? I joined Raw. पहले ISI के जाल को तोड़ने में लग गए और उसी दौरान मुझे अंबाला आर्म्स डेपो ब्लास्ट में चले कागज के कुछ ढेर मिले, जिसमें मुझे एक नाम मिला, MRS। यस सर, MRS। इंडिया में ISI का मास्टरमाइंड है। जिस तरीके से विदेशी यहाँ पे कॉल सेंटर्स आउटसोर्स करते हैं ना, उसी तरह ये यहाँ पे आतंकी आउटसोर्स कर रहा है सर। पूरे इंडिया को कश्मीर बनाना चाहता है ये। हथियार यही के, आतंकी यही के, और खून भी यही का सर। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि अंबाला आर्म्स डेपो की ये वाली घटना शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि हथियारों की लूट है जो MRS ने करवाई? एग्जैक्टली सर, दैट्स माय पॉइंट। कैन यू प्रूव इट? यस सर, बट आई नीड अ टीम टू ऑपरेट विद इन इंडिया एंड आई नीड स्पेशल पावर्स। व्हाई रॉ? NSA ने मुझ पर भरोसा किया और रॉ की एक स्पेशल टीम बना दी गई। नाथन, रुबीना, अमन, रोहित, पूजा, हमारी सोच, हमारे जुनून एक थे और मकसद भी। वासु, तुमने जो हमें 1.5 लाख स्पेशलिस्ट दी थी, उसमें से ये 384 शॉर्टलिस्ट हुए। ये MRS के लॉजिस्टिक सप्लायर्स हो सकते हैं। इसमें से कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस, स्टूडेंट, प्रोफेसर, क्रिमिनल्स, आर्म सप्लायर्स। इनमें से कुछ लोगों के वेयर अबाउट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं और कुछ के लापता है। रोहित, सबको ट्रेस करना बहुत आसान है। ये लोग कभी ना कभी किसी ना किसी ATM, बैंक, स्टेडियम, डिस्कोथेक, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो सारे सर्वर्स पे नजर रखो। लेकिन इसका क्या करें? इसका सिर्फ नाम है हमारे पास, चेहरा नहीं। इन 384 लोगों को तोड़ेंगे तो इस MRS की गर्दन भी हाथ में आ जाएगी। सबूत मिले तो कानूनन, और ना मिले तो गैर कानून। तोड़ना जरूरी है। मगर MRS हमारी सोच से ज्यादा चालाक निकला। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसके होने का कोई सबूत नहीं मिला। ना ही मिला अंबाला आर्म्स डेपो में हुई हथियारों की चोरी का कोई सुराग। उस दिन रुबीना का निकाह था। 500 लोग मारे चुके और ये जो कर रहे हैं ये गुजरात के लौंडे। इनके माँ बाप परिवार वाले सारे गोधरा कांड में मारे गए और MRS इसका फायदा उठा। आज रात को 2 बजे पोरबंदर डॉकयार्ड में वो इनकी हौसला अफजाई के लिए और हथियार सप्लाई के लिए खुदा। अच्छा मियां, बात पक्की है? 100% पक्की खबर है साहब। और ये वही हथियार हैं जिन्हें आप तलाश रहे हैं। हमारा हम डिपो से चोरी हुए थे ना। इमीडिएटली इन्फॉर्म नाथन एंड कॉल मिस्टर दास, वी लीविंग राइट नाउ। लेट्स गो। मेरे बिना रुबीना के इस जज्बे ने खून की रफ्तार को दुगना कर दिया था। हम समय से पहले ही पोरबंदर पहुंच गए। कंफर्म।
कैंसिल। चलो होल्ड इट, गन्स नीचे। देशभक्ति का भी एक अजीब सा नशा है, फालतू में लोग जान देने पे तुले रहते हैं। तेरा गुस्सा जायज है, इमोशन भी राइट, जान देने की चीज नहीं है, लेने की होती है। कितनी बार समझाया कि लाइन के इस तरफ आ जा, समझे? मिला क्या धोखा? वो टोक्सी भी बेच थी मुझे तेरे अपनों ने। कमाल का शक्की बंदा है। जानता था डबल चेक करेगा, इसलिए मैंने ट्रक में लेड की लेयर्स बिछा दी थी, उसके ऊपर हथियारों का होलोग्राम प्रोजेक्ट कर दिया था, और लेड के नीचे मैंने अपने बंदे छुपा दिए थे। एंड बाय द वे, दुनिया की कोई भी रे लेड को पास नहीं कर सकती। बेसिक हाई स्कूल में सिखाया जाता है, इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे अंडर में मौका है, मेरा पट्टा पहन ले। पहन लेता हूं तो
क्या करना है? तेरे दिमाग में कोई जीनियस गिरी चल रही है क्या? क्यों डर चल रहा है तेरे दिमाग में? तुझे लगता है कि तू यहां से भाग पाएगा? तुझे लगता है तू मुझे रोक पाएगा? तू मुझे रोक पाएगा? मेरे साइबर अटैक से मिलिट्री इंटेलिजेंस को तूने ही बचाया था ना? ओह सॉरी 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 कह रहा था तोर में मिल गए ना तो दुनिया जीत लेंगे। फिर तू आ जाए सर, सरेंडर कर दे यार, मौका दे रहा, ये सब पागलपन छोड़ा भी तू जीनियस है। जीनियस में हूं, इसमें कोई शक नहीं, अब हूं तो हूं। वो थी ना एक कोटेशन की भूल गया, हाँ, देयर इज नो ग्रेट जीनियस विदाउट सम टच ऑफ मैडनेस, एरिस्टोटल ने कहा था। फिर तू लगा ले अपनी पूरी ताकत और जो कुछ भी अकल तेरे पास है, क्योंकि ऐसे धोखे वो कैसे तू सिर्फ मुझे मार सकता है, हरा नहीं सकता। किसी ने कहा है? किसने कहा था? वासुदेव शास्त्री ने। कुत्ते की तुम निकली है नहीं मिलने पहले। देख कैसे हिल रही है, देख। अरे भाई कोई आईना लाओ उसको, कुत्ते को जरा उसकी शक्ल तो दिखाओ। बहुत बड़ा जीनियस समझते हैं तू अपने आप को। चले खेल खेलते हैं, रिडल। मैं भी देखता हूं तेरी कितनी लिमिट है। नहीं तो मेरे लोग इन लड़कियों के कपड़े फाड़ लेंगे। अब तेरा कैरेक्टर है कि तू फाड़ेगा नहीं, और इनका कैरेक्टर ये छोड़ेंगे नहीं, अपना अपना कैरेक्टर है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? अब बताओ, जिन लड़कियों का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाना चाहिए था, आज उनका अपमान हो रहा है, और सिर्फ इस झंडे की वजह से। शर्म उन्हें। ये देश भक्ति ना अपनी तमाशा करो। रुको, अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये तिरंगा 100 दफा फट सकता है, और इस तिरंगे की आन बचाने के लिए हम भारतवासी 1000 दफा मर सकते हैं, और तुझ जैसों को लाखों 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 टुकड़ों में फाड़ सकते हैं।
कर्ज उतारने ही होते हैं। और ये तो मां का कर्ज है। मैं पोरबंदर जा रहा हूं। मुझे जाना ही होगा। तुम्हारे साथ सुकून से जीने के लिए मुझे ये मिशन एमआरएस पूरा करना ही होगा। दिल की लड़ाई दिमाग से लड़नी होगी। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हाँ मिस्टर लिंगम, वासुदेव शास्त्री का कुछ पता चला? कोई खबर? सर वो बहुत ही तेज है, सबको बेवकूफ बना दिया, मिसगाइड कर दिया। सर वो यहाँ पोरबंदर पहुंचा ही नहीं, हम लोगों ने पूरा एयरपोर्ट छान मारा। सर दरअसल ये हुआ कि उनकी बॉडी में जो ये ट्रैकर था वो लक्षद्वीप एयरपोर्ट में ये शेट्टी साहब है ना, इनके वो बैग में डाल दिया और हम लोग इन्हें फॉलो कर रहे थे। और वैसे ना सर, वो तो बहुत बड़ा स्मार्ट आदमी है। शट अप लिंगम, आई से जस्ट शट अप। फालतू की बातें मत किया करो, अपने काम से काम रखो। मुझे इमीडिएटली लक्षद्वीप एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज भेजो। यस सर। दास बाबू, अपने लाडले को समझा देना, अगर उस भगोड़े का फोन आए तो कह देना उसे सरेंडर कर दे। ट्रैकर निकाल कर तो बहुत बड़ा क्राइम कर चुका है, बच नहीं पाएगा। मिस्टर रंजन, इट्स नॉट दैट इजी। व्हाई डू यू से दैट? क्या वासुदेव शास्त्री कानून से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर उसका इमोशन बहुत बड़ा है। MRS is on. तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा वो 3 लोग जो मुझे ट्रैक कर रहे हैं।
भोपाल मुबीन नागेश आईएसआई स्लीपर सेल्स 3 मर्डर्स 4 रेप्स 10 ब्लास्ट शार्प शूटर्स फिर भी जब 45 डिग्री एंगल मिला तो मास्क अब समझ में आया कौन किसे ट्रैक कर रहा था किसने भेजा है बोलो समझ गया तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे एमआरएस तक पहुंचा सको यही ना चलो मेरा संदेशा ही पहुंचा दो Started. मिस्टर दास को फोन करना है नो फोन कॉल्स नो आना जाना जब तक वसु पकड़ा नहीं जाता तुम दोनों मेरी कस्टडी में रहोगे अरे लेकिन आप हमें इस तरह अरेस्ट नहीं कर सकते मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं इसको मॉलेस्ट भी कर सकता हूं हाउ डेयर यू शट अप पिछले 6 घंटे से तुम दोनों को पूछ रहा हूं वासु कहां है अगर लक्षद्वीप वापस जाना है अपने घर तो बता दो कहां है वो कमीना क्योंकि उससे भी बड़ा कमीना वो एमआरएस है एमआरएस वापस आ गया है अब देखना क्या क्या तमाशे होते हैं इन सबको ढकने से कुछ नहीं होगा इट्स योर फॉल्ट वॉर्न किया था मैं जब लक्षद्वीप से वापस आ रहा था तो इत्तेफाक से उससे मुलाकात हो गई थी मैंने बताया था वो पागल नहीं है शातिर है और तुमने उसे हल्के में ले लिया हल्के में नहीं लिया सर आपके लक्षद्वीप जाने के पहले ही मैंने उसका किलिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था वो आईएसआई के 3 गधे डिस्गस्टिंग मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब वो कोमा में था तभी क्यों नहीं मार दिया उसे मिनिस्टर साहब क्या आपको पता था क्या मुझे पता था यहां तक कि किसी को भी नहीं पता था कि वो जिंदा है हम सब के लिए वो मर चुका था यहां तक कि उसकी फाइल भी मैंने क्लोज करवा दी थी उस हरामखोर दास ने ऐसा खेल खेला कि हम सबका बैंड बजाकर रख दिया छुपाकर रखा था उसे आज भी वो अकेला नहीं है उसके साथ कोई ना कोई है Maybe raw. Maybe? Why? Why did I trust you? क्यों मैंने तुम्हारा प्रमोशन दिलवाया था तुम्हें हाँ Tell me. देखो अगर MRS के साथ टॉक्सी के सौदे वाली बात खुली तो बिकते हैं मिनिस्टर्स बिकते हैं वासु अफसर भी बिकते हैं मगर आतंकवादियों के हाथों वासु
बेटा ऐसे सौदे होते रहते हैं. दिस इज अ बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स. एंड दिस इज द बिजनेस ऑफ अस पेट्रियट्स. यहां सौदे नहीं सिर्फ संस्कार होते हैं, वो भी अंतिम. जो होना था हो गया. तुझे पता है इस कमीने ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया. ये मर गया मैटर खत्म. तो कर देते ना खत्म मैटर. अगर मैं गया तो तू भी जाएगा. कल सुबह नाश्ते में 2, 4, 8, 16, 9, 32 टुकड़े मिलेंगे. 32 वो भी नंदिनी और उसकी मां के. यही बुलाया था ना तूने, यही छुपा के रखा था ना उसको. नहीं समझा? जो वो देखती है मैं देखता हूं, जो वो सुनती है मैं सुनता हूं. उसके कॉन्टैक्ट लेंस में कैमरा है और इयररिंग्स में माइक्रोफोन. तो मॉलेस्ट भी कर सकता हूं. ये तो शुक्र मना कि मेरे लोग उसे बचा के ले गए, वरना तेरी एक उंगली अगर उसको छू भी जाती ना तो 2, 4, 8, 16, 32, 32 हजार भी नहीं, दिल्ली के कसाई खाने में जितने रोज बकरे कटते हैं ना उससे भी ज्यादा टुकड़ों में मैं तुझे काट देता. नंदिनी मेरा प्यार है, प्यार. तुझे क्या लगता है मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता? मैं जानता हूं एमआरएस ने तुझे अपना पता तो बताया नहीं होगा, फिर भी तू मेरा संदेशा जरूर बन सकता है. कमिट सुसाइड. जिंदगी में एक अच्छा काम तो कर. पुजारी बाबा ने कहा था कि धोखेबाज अपनी मौत खुद मरता है. ये हत्या है या आत्महत्या? सवाल बहुत है. कहीं इसके तार लक्षद्वीप हत्याकांड से तो नहीं जुड़े हुए? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हमारी खुफिया एजेंसी कहां सोई बैठी है. जिस तरह से ऑफिसर्स के मिनिस्टर के खून हो रहे हैं उसके बाद इन सवालों का खड़ा होना यहां पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि बुद्धदेव के खून से यहाँ भी जमीन पर लिखा है लेट्स कैच अप. जवाब जल्द से जल्द सामने आने बेहद जरूरी है. There's one more problem. A call has just come from a source from Mauritius that ISI Chief Altaf has spoken to Bilal from ISIS, and he has said that they made a mistake appointing you as an agent in India. सर, वर्ल्ड मैप पर आने से पहले हम बदनाम हो गए. अरे सलाम भैया. सलाम को साइड में डाल. ये बता डील हो गई बिलाल से? अब वो क्या है कि दो पत्ते क्या गिर गए कि हमारी सारी जड़ें कमजोर हो गई. सालों ये तुम्हारी जड़ें हैं जो दो पत्तों के गिरने से टूट जाती है चोट. अरे नहीं भाई जान, आपकी कांत डिजिटल ने टैग जिहाद का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? आप जिसके लिए इंडिया गए. कांत डिजिटल ने जो प्रॉमिस किया है एक जहाज का वो पूरा जरूर होगा. दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके सिक्योरिटी सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट लेने में वक्त लगता है. तुम लोगों को अकल नहीं है बेवकूफों? तमीज से बात करिए. चुप कर. ये औरतों के लिए पापा पापा करना बंद कर. एक नया प्लान सोचा है मैंने, देख कैसे जड़े हिलाता हूं हिंदुस्तान की. 10th एनिवर्सरी है कांत डिजिटल की. फंड्स भेज. ये फंक्शन कब प्लान किया तुमने? अभी एमके. जी सर. बड़े बड़े लोगों की केस लिस्ट तैयार कर. जी. और उसमें एक छोटा नाम जरूर होना चाहिए. आज का चप विद्यू.
जानता था कि मुझ तक पहुंचने के लिए एमआरएस तुम्हारा पता ढूंढ ही लेगा, इसलिए आने दिया। अब तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारा मेरे संग रहना बहुत जरूरी है। Missed you so, so, so much. You miss me? Obviously. बारह दफा मेरा नाम लिया, चौदह दफा मेरी फोटो देखी और सिर्फ तीन दफा रोई तुम। इतना ही मिस किया, ये तो पूरे 60 मिनट भी नहीं हुए। सब देखा मैंने। कोबाल्ट, लेड बॉम्ब, 40 लोगों के लगा है। ध्यान से सुन, मेरी बात नहीं मानी तो उड़ा दूंगा सबको। जीनियस गिरी फिर से डर। मुझे बड़ा मजा आता है जब मैंने तुझे मारा, तब मुझे बहुत अफसोस हुआ 2 सेकंड के लिए। मैंने यार अब दिमागी खेल किसके साथ खेलूंगा, अब दिमाग को तो खुराक चाहिए। अब सारे सक्सेसफुल लोग तो मीडिया को रहे हैं, हाँ तो खेलें किसके साथ। एक काम करते हैं, एक रिडल खेलते हैं। कल के अखबार की न्यूज
एक भगोड़े एजेंट ने एनएससी की हत्या कर दी और एनएससी की सिक्योरिटी ने उसको मार डाला। तनाव बहुत है, टाइम नहीं मिल रहा, फिर भी 5 मिनट टाइम निकाल कर आया। कांत, डिजिटल सिक्योरिटीज के पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, इसीलिए सरकार ने 5 मिनट तेरे पास, 5 मिनट में इस कालियों को साफ करते हैं। डिजिटल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनको सौंपी है। थैंक यू सर। सोच, एनएससी की मौजूदगी में 40 लोग मारे गए तो देश के सम्मान और गौरव का क्या होगा जो तूने बचाया था उस दिन? जीनियस के लिए दिखाने की कोशिश मत करना, मुफ्त में लोग मारे जाएंगे, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जहां तो 5 मिनट में 400 में से वो कौन से 40 लोग हैं जिनके बैजेस से बम खोद सके, कोई रास्ता नहीं। किल से यू गेट किल्ड। असल में उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह जा चुका है,
उसे लगता है कि वो किसी मिशन पर है और पीएमओ के अंडर काम कर रहा है। कान की बीमारी की वजह से जो उसके ब्रेन पर इफेक्ट हुआ था वो और बढ़ गया है। हमें इसे हॉस्पिटल में कुछ वक्त के लिए रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। एक्चुअली ही इज हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। इट्स अ क्रॉनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन, हैलुसिनेशंस, डिल्यूजंस। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है मगर अंदर से ही इज डिटेरियोरेटिंग एवरीडे। एक दिन अचानक उसका ब्रेन डेड हो जाएगा। नंदिनी, वी ऑल हैव टू बी मोर केयरफुल नाउ ऑनवर्ड्स। हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। अब उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो किसी को भी बीमारी समझ सकता है। कभी भी उसके दिमाग से उसके मरे हुए साथी बाहर आ सकते हैं। शायद वो उनकी मौत का बदला लेना चाहता है। He has become dangerous to the society. Dangerous तो आप लोग हैं। साजिश कर रहे हैं आप सब। ये प्रवीण जोशी, तुम मिले हुए ना एमआरएस से? तुम्हीं ने मैस्केरेड पार्टी के सारे सबूत साफ कर दिए। किसी को कुछ नहीं मिला। Shut up! इंक्वायरी चल रही है। सच क्या है सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। सच तो सामने आ ही जाएगा। मेरी टॉक्सी टीम गई है पीएमओ से आप सबकी शिकायत करने। तुम चिंता मत करो, हमारे प्यार के रंग वापस आएंगे। कोई नहीं रोक सकता हमें। आई डोंट वॉन्ट टू मीट एनीवन। वासु, कितनी सिक्योरिटी है? 3 सर। डबल इट। ओके सर। सैड एनफ इंजीनियर्स।
बेटा आप लोग जा सकते हैं। राधे राधे। मैडम आप भी 10 मिनट्स प्लीज। ओके आज भी 60 मिनट नहीं। तुम्हें रुला दे या एक पल भी तुम्हारी मुस्कान छीन ले तो मुझे याद मत करना। वाह क्या लव स्टोरी है, लेकिन मेरी खराब कर दी। दिल को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए, सब खेलते हैं इसके साथ, मैं भी खेलूंगा। एक्चुअली तो मेरी लड़ाई उस कालिए से है जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, हालत बिल्कुल खस्ता थी, लेकिन बाप जो था वो बहुत ही ईमानदार, सच्चा, नमाजी, परहेजगार। घर के हालत भी बिल्कुल खस्ता, जो कड़ियाँ थी, 5-6 कड़ियाँ थी, उनको आज तक ठीक नहीं करवाया उसने। पैसा ही नहीं था उसके पास, क्या करता। ना उसके अंदर इतनी अकल थी कि वो ये सोच सके कि उसके यहाँ एक जीनियस पैदा हुआ है। और मैं यूज्ड हो चुका था उस चीज का, धीरे धीरे पढ़ता चला गया, आईटी में एडमिशन लिया। विद इन 2 ईयर्स रॉ एजेंसी की साइट को मैंने हैक कर लिया, उसका मुझे 1 करोड़ मिला। और जिस दिन मुझे 1 करोड़ मिला उस दिन मैंने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। मैंने कहा घर जाऊंगा, वो कड़ियां वड़ियां सब ठीक करवाऊंगा, पूरे घर को आलिशान बनाऊंगा, अब्बू अम्मी खुश होंगे। जैसे गया तो मेरा बहुत अच्छा वेलकम हुआ। जूते चप्पल जो भी मिला अब्बू को मारा, इतनी धुनाई हुई मैं बता नहीं सकता। मारते गए तो पहली बार मेरी ईगो जागी। और ईगो ऐसी आई कि मैंने अपने अब्बू को ना ऐसे पकड़ा, गर्दन ऐसे पकड़ के और ऐसे झटका दिया, और पास में चाकू पड़ा हुआ था वो देख मारता चला गया। बीच में अम्मी आई छुड़ाने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने आंखें बंद कर रखी थी, मैं मारता जा रहा था और थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे अब्बू अम्मी खून से लथपथ पड़े हुए। अम्मी को देखा मैंने, जिसको मैं बहुत प्यार करता था। मैंने कहा इसको बीच में नहीं आना चाहिए था, बस मुझे देख रहे थे ऐसे। तभी एकदम पीछे से हाथ आया किसी का, उसने खींचा मुझे, पलट के देखा, पुलिस जेल में डाल दिया मुझे। बहुत टॉर्चर किया, बहुत जूतों से पिटाई हुई, हर तरीके से, मतलब थर्ड डिग्री जैसे टॉर्चर होता है ना वैसे। पता है वो ऑफिसर कौन था? जयशंकर प्रसाद। कुछ दिन के बाद मैंने उसको बुलाया रात में, एक्सक्यूज मी हाय, मैं जो SIA CIA FBI मोसाद इन सब की बहन थी, I want to work with you. Be me, because I'm a genius.
उसने बोला इडियट लोग नहीं चाहिए देश को, कैरेक्टर चाहिए। मतलब मैंने अपना खिलौना तोड़ दिया, अपनी चीज फेंक दी, तो मेरा कैरेक्टर खराब हो गया। मैंने अपने माँ बाप को मारा, किसी और के माँ बाप को तो नहीं मारा ना मैंने। सजा किस बात की थी? वो तो भला हुआ एसआई का उठा के ले गए, वरना उसको तुझे फांसी दिलवा रहा था। तब से लेके आज तक वो खुलना से मेरे अंदर उस काले को लेकर, उसको ना फांसी पे लटकाऊंगा। चले एक आखिरी रिडल खेलते हैं। दिल की लड़ाई दिमाग से, तूने भी खूब खेली, दिल की लड़ाई दिमाग से। गुड। हेलुसिनेशन का बहुत बड़ा ड्रामा किया। और अपनी जिस टॉक्सिक टीम का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था, उसकी झूठी कहानी उड़वा दी, वो भी इस लड़की के जरिए कि वो जिंदा है। बिजली के झटके खाए वो भी रियल, ताकि लोग तुझे पागल समझे, ताकि कानून को धोखे में रख के हर सजा से बच जाए, और एक दिन ठीक होने का ड्रामा करके तो अपने प्यार के पास वापस आ जाए। वाह क्या जीनियस प्लान है, क्या अशकी है। ये सलीम है। सॉरी वासु, वो भी निकल गंजम के मैंने मारा, दो मिनट में बोल दिया सर। छोड़ दे इसे, तेरी लड़ाई मेरे साथ है। अच्छा तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जा। मैं चैलेंज करता हूँ तुमको, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, स्पेशली एनएसए, जयशंकर प्रसाद को। जूते लगवाए थे ना उसने मुझे, जूते लगवाऊंगा, थप्पड़ों से पिटवाऊंगा, रोक सको तो रोक लो मुझे। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, एमआरएस, मिस्टर समर खान। क्या मैं ऐसे चीफ से बात कर सकता हूँ सर? ऐसा चीफ राइट नाउ। हेलो, इकराम हियर, पीए ऑफ चीफ साहब। चल अपने चीफ को फोन दे, वासुदेव बोल रहा हूं। कौन वासुदेव? एमआरएस ने बताया नहीं तुझे? एमआरएस? कौन एमआरएस? ब्लू आईज, ब्राउन हेयर, फेयर स्किन, लाहौरी नाकनक्श, सेंट एडमंड्स कॉलेज, विक्टोरिया स्ट्रीट, सेंट्रल लंदन, बोर्न इन लाहौर, पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ 19 मार्च 1999। फातिमा, फातिमा की बात कर रहे हो तुम? जी चीफ साहब, और इस वक्त मेरे चार आदमी उसके आगे पीछे पिकेटली स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। उड़ा देंगे। How dare you? वो मेरी बेटी है। मुझे तो पता ही नहीं था आपकी बेटी है वो। जैसे आपको नहीं पता कि कोई एमआरएस है या नहीं। ये गलत है। बिल्कुल गलत है। हमारे पंजाब में और आपके लाहौर में दोनों में कहावत है कि बेटियां तो सबकी सांझी होती है। देखिए, हमें आपसे कोई बैर नहीं, लेकिन अगर आप हमारे घर में घुसेंगे ना तो आपकी कोई खैर नहीं। कह दीजिए एमआरएस को कि वो सरेंडर कर दे, वरना ये जो हिंदुस्तानी जूता पहना है ना आपने, आपके सिर ही पड़ेगा। राधे राधे। एमआरएस, तुम्हें तो कांत सिक्योरिटी के साथ मिलकर टैग जिहाद की जिम्मेदारी दी थी, ये नया क्या करने जा रहा है? अबाउट दिस मिशन। शराब, अपनी बेटी की बात आई तो हिल गई साले। उस दिन मशकरेट पार्टी में मेरी प्लानिंग क्या फेल हो गई, तो बेइज्जती कर रहे थे। साला जूते मार रहे थे हाथों के। मैं अपना नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता, समझे? अब ये तूफान उठा है तो तबाही करके ही रुकेगा। ये मेरी लड़ाई है, मेरा बदला है। सर, यू हिट द नेल ऑन द हेड सर। सर, एमआरएस और आईएसआई का अब भी कांटेक्ट हुआ है। लोकेशन ट्रैक हुआ? हाँ सर, लोकेशन ट्रैक हो रहा है। मिल गया सर, यमुना एक्सप्रेस हाईवे मथुरा। रमन, तुम एक काम करो, मथुरा वृंदावन से आने जाने वाले सभी कॉल्स ट्रैक करो, और इंटरनेट और सोशल मीडिया को भी सर्वेलेंस पे ले लो। आई डोंट वांट एनी लूज एंड्स, गॉट इट? ओके।
सर लगता है सुवर्णों ने लोकेशन का पता लगा लिया है। पूरा मथुरा डिस्ट्रिक्ट हाई अलर्ट पर है। एनएसजी कमांडर ने शहर को छावनी बना दिया है सर। मथुरा में अब लड़की और एक्सप्लोसिव लेकर आपका दाखिल होना इम्पॉसिबल है सर। बेटर वी चेंज द सिटी सर। जो होगा आज ही होगा और अभी होगा। मैं मथुरा पहुंच चुका हूँ, लड़की को भी सही जगह पहुंचा दिया है। तुम बस वकार को मैसेज दो एक। सर एक और मैसेज इंटरसेप्ट कर रहे हैं, कोई वकार और एम के बात कर रहे हैं। मनीष भाई कैटमैन तो मैंने अरेंज कर लिया है, बट नो इफ नो बट संध्या आती में शंक बचना ही है। गोविंद टेम्पल ओके मथुरा। नमस्कार सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है कि वो सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें। एनएसजी कमांडर आठबोट के जार्ज सारी तैयारी और बंदोबस्त पूरा हो चुका है, लेकिन बॉम्ब का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। ये टेरा मशीन कभी मोबाइल फोन को, कभी घड़ी को, कभी प्लास्टिक के खिलौनों को बम बता रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बम नहीं मिल रहा। कंट्रोल रूम का है सामने। अब तो तुम्हारा कन्हैया भी नहीं रोक पाएगा मुझे इतिहास बनाने से। नंदिनी मंदिर पब्लिक अभी मेरी जिम्मेदारी है। Let me focus and find the bomb. वैसे भी मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स है सर, हर कोई इसे समझ नहीं सकता। वो जानता है हम तेरा मशीन यूज करें, इसलिए उसने प्लास्टिक पे कैडमियम की लेयर चढ़ा के कई ऑब्जेक्ट ऐसे फैला दिए रेडियस में। और जब तक हमारे टेरा की रेज इस रेडियस में पड़े हुए ऑब्जेक्ट से टकराएगी, वो हमेशा समझेगी कि यही बॉम्ब। हम असली बॉम्ब तक पहुंच ही नहीं सकते सर। एक बार थीटा 65 कर, डू इट राइट नाउ थीटा 65। ये रेड को पकड़ो और इसको रिवर्स करो। मिरर इट एंड यू विल गेट द रियल पोजीशन। Latitude is 29.4232 and longitude is 77.6737. Right, Lose? Latitude is 29.5051 and longitude is same, 77.6737. It's high intensity red spot. I think we detect. We are checking, sir. Repeat. Confirm the detection. Control to Alpha. Confirm the bomb is not fake. The bomb is getting the benefit. Confirm the area immediately. Pichha kya? Pichha. Nandini. Nandini. Pichha. 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 अरे यहाँ 25 मिनट बम फटने वाला है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? और 45 मिनट फोर्स पे यहाँ पहुँचने के लिए क्यों लग रहे हैं? दिल्ली तो बगल में है ना, मुझे तुरंत इवैक्यूएशन स्टार्ट करना है प्लीज। इतनी कम फोर्स के साथ मैं हजार लोगों को कैसे इवैक्यूएट कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। और हाँ स्टैम्पेड हो गई तो चौबे जी। जी शुक्ला जी, तमाम आस पास मंदिरों में और इधर उधर जितनी भी सारी सिक्योरिटी होगी सबको यहाँ बुलाए जी। 15 मिनट के अंदर इवैक्यूएशन स्टार्ट करना है प्लीज। सर जब तक ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं करेंगे तब तक ना इसे बॉडी से हटाया जा सकता है ना ही इस व्हील चेयर को हिलाया जा सकता है, तो डिफ्यूज करो ना। इट लुक्स वेरी ट्रिकी सर, इसे देखने से लग रहा है कि इसे बहुत चालाकी से बनाया गया। सर बॉम्ब का पैनल रूबिक क्यूब से जुड़ा है, इसे सॉल्व करके डिफ्यूज कर सकते हैं। कोशिश करो यार। सर आप जानते हैं वी डोंट हैव इनफ टाइम टू सॉल्व द क्यूब। इसमें 15 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। It's impossible to solve it in 15 seconds, sir. इसे 15 seconds में solve करना impossible है, लेकिन world record 4.59 seconds का ये solve हो सकता है। I can do it. No! No, Vasim, कोशिश भी मत करना। Let me try. I think please I can. Please don't touch it. इसको हाथ लगाते ही 15 सेकंड में मंदिर ब्लास्ट हो जाएगा। Vasu, please आप don't. आप कर सकते हैं क्या? आप ऐसे कोई नहीं कर सकता, मैं कर सकता
let me do it! You trust me? Nandini, you trust me? Please, touch it! Hey, Vasu, please! Don't touch it, Vasu! क्यों दे रहा है? अगर इसे उड़ाना ही होता तो अब तक उड़ा चुका होता। ये बॉम्ब फेक है। Exactly. इतनी हाई अलर्ट और टाइट सिक्योरिटी में अगर मैं मंदिर में बॉम्ब लगा पाता तो क्या ब्लास्ट ना कर देता? लड़की को इधर क्यों लेके आता? लड़की और तुझे हॉस्पिटल में ना मार देता। असल में तुझे और उसे मुझे यूज करना था। जैसे तूने मास्केरेड पार्टी में पैनिक सिचुएशन क्रिएट की और मेरा प्लान फेल किया, वैसे मुझे भी मालूम था कि मुझे पैनिक सिचुएशन क्रिएट करनी है, जिसकी वजह से अफरा तफरी में तू मुझे मेरे मकसद तक खुद पहुंचाए। और हुआ भी गई। तुम सब बेवकूफों ने मिलकर मंदिरों से सिक्योरिटी हटवा दी और मेरा काम हो गया। मैं बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ, MRS से मेरा नाम। बात कर रहा है और इस समय उसे पूरा मथुरा सुन रहा है। सर, मेरे देशवासियों, अगर आप ज्यादा बिजी नहीं है तो तबाही देखने के लिए तैयार हो जाइए। 3,709 square kilometers मथुरा, 3,122 मंदिर, सिक्योरिटी कहीं भी नहीं, बॉम्ब कहीं भी लगाया जा सकता है। जाने जाएंगी, कोई मंदिर भी जाएगा और जाएगा मेरे देश का गौरव। देशवासियों, मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ, ये तबाही रुक भी सकती है। अगर ये जीनियस वसुदेव शास्त्री NSA को भरी सभा में प्रेस के सामने थप्पड़ मारे और जूते मारे, क्या है ना कि मेरी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सर, आई नीड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या आप मंदिर में ब्लास्ट नहीं करें? करेंगे ना, लेकिन पहले इन गधों का तमाशा देखेंगे। MRS यानी कि मिस्टर समर खान की धमकी के बाद वासुदेव शास्त्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन फ्यू मिनट्स। क्या वासुदेव शास्त्री NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का अपमान करेंगे? क्या एक आतंकवादी संगठन के सामने भारतीय एजेंसियां घुटने टेक देंगी? MRS चाहता है कि मैं NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया को थप्पड़ मारूं। जूते मारूं? मारूंगा, मारूंगा, बार बार मारूंगा, 100 बार मारूंगा, बीच सड़क पे मारूंगा, लेकिन MRS जैसे हर गद्दार को मारूंगा। ओ MRS, तू सुन रहा होगा ना? सांसें कांप रही होंगी तेरी, सुनता रहे। भारत के NSA को तो छोड़, मैं भारत के एक छोटे सैनिक का भी अपमान नहीं कर सकता और ये तो मेरे पिता समान है। मैं मारूंगा इसको जूते और पब्लिक से पड़वाऊंगा थप्पड़। एस्केप रूट रेडी रख, मैं बम एक्टिवेट करता हूँ। 13 रूट मैं तय करूंगा। और शायद यही है भारतीयता का मतलब, शायद यही है भारतीय जज्बे का मतलब, और ऐसी भारतीयता पर दिल से खेलता नहीं और दिमाग से खेलने देता नहीं। बम कहाँ है? फिर से जीनियस के लिए? फिर से डर? तुझे लगता है कि तू मुझे रोक पाएगा? तुझे क्या लगता है तू यहां से भाग पाएगा? ऐसे ही गोलियां मारी थी ना तूने मेरी टॉक्सी टीम को?
बरसाने की लोकेशन मिली होगी ना, वृंदावन में तो कैसे पहुंचा? आई हैड प्लेड ए जीनियस कार्ड। असली जीनियस तो वो है, उसने पहुंचाया मुझे यहां पे। सुन सुन, इतनी हाई अलर्ट और टाइट सिक्योरिटी में अगर मैं मंदिर में बॉम्ब लगा देता तो क्या? शंखनाद जो बैकग्राउंड में बज रहा है ना, तुम सब बेवकूफों ने मिलकर मंदिरों से सिक्योरिटी हटवा दी और मेरा काम हो गया। मेरे बाबा का है, बचपन से सुनता आ रहा हूँ, यही यमुना तट पे सुबह शाम बजता है। इसकी इंटेंसिटी से मुझे पता लग गया कि तू यहीं 30 यार्ड के दायरे में है, और मुझे तो पता ही था कि तू किसी बिल में छुपा हुआ होगा, ढूंढ लिया तुझे। वृंदावन जो है ना, मेरी नस नस में बसा है, और तू यहाँ आके मेरे प्रभु पे, मेरे प्रभु के मंदिर पे बॉम्ब लगाएगा? साले तू यहाँ पे ब्लास्ट तो क्या एक ईंट भी नहीं हिला सकता। और हिला तुम तो काट दूंगा तुझे। राधे राधे।
ग्वालियर से भागकर कहां जाएगा संगमरमर की औलाद? तेरे करम तुझे यहां लेकर आए हैं। करम मेरे नहीं, तेरे हैं, भूल गया? होता है, इंपल्स में आदमी कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका कैरेक्टर खराब है। तरस आता है तुझ पे? तरस मत खा, चला सकता तो गोली चला, चला गोली चला। हमारे समय द ओनली जीनियस। अभी तक तेरा भ्रम नहीं गया कि तू एक जीनियस है? ना, जीनियस तो वो होता है जिसके पास करेक्टर हो। तेरे पास मां बाप थे, तूने उन्हें मार दिया। इसके पास कोई नहीं था, इसने दुनिया को अपना बना दिया। ये जीनियस है। तू भी हैकिंग करता था, ये भी हैकिंग करता था। तू देश के खिलाफ करता था, ये देश के लिए करता था। ये जीनियस है। जीनियस वो नहीं जो जरा सी मुश्किलों में भटक जाए। जीनियस तो वो होता है जो हर परिस्थिति में जिंदगी की लड़ाई लड़ता है और जीतता है। वो जीनियस है। बिल्कुल सही कहा। आपकी जीनियस वही है जो हर परिस्थिति में जिंदगी से लड़ता और जीतता है। और ये शिक्षा आप ही मुझे दे सकते थे, और कोई नहीं। हमेशा के लिए आपका आभार है, हमेशा के लिए। True, Mr. Das, love is a higher revolution than all the wisdom and philosophy. Vasu, one more call interceptor. के लिए नहीं, हमारे लिए काम कर। और याद रहे कि उनका
का दिमाग एमआरएस की तरह फितूरी या तनकिन हो। रामिया, हमारे मासूम लोगों को बरगलाना जरा बंद करो, वरना अगली बार सबर नहीं सीधा गदर होगा। एलुसिनेशन का बहुत अच्छा ड्रामा किया तुमने, बहुत घुमाया फिराया नचाया, बट वेल डन। सारी एजेंसीज को तुम पे नाज है। हमें भी आप पे नाज है जोशी जी। बस ये बता दीजिए चाइना क्यों गए थे? आई टेल यू लेटर। आई नो गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब से चढ़ गया रे।